जैसे कृष्णा राधे राधे, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कितने मीटर हाई बिल्डिंग है? देखो 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो सबसे पहले अपने यहाँ डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है कि हमें यहाँ दे रखा है कि यहाँ एक बिल्डिंग है और यहाँ एक टावर बना है। यहाँ से अपने को बोल रखा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो जो मेन लाइन है उसको अंडरलाइन करते रहो। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से इस टावर का टॉप पॉइंट कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। इस बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आपको नीचे की साइड इंक्लाइन बनाना है। यहाँ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रहेगा? 45 डिग्री। अपने को फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की कंप्लीट अपने को हाइट फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ ये 45 डिग्री है, ये दोनों लेंथ क्या पैरेलल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब देखो यहाँ अपने पॉइंट दे देते हैं ए बी सी डी और ई। अपने को कंप्लीट सी ई की लेंथ फाइंड करनी है। देखो यहाँ 7 मीटर है, तो इसके पहले लाइन ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। इसको हमने मान लेते हैं एक बार स्मॉल h। देखो इसकी लेंथ हमने कितना एज्यूम कर लिया? स्मॉल h। तो जो जो हमने लिखा वो पहले अपने वैल्यू लिखेंगे कि यहाँ ए बी इक्वल टू ए बी और डी सी, ये कितना है? 7 मीटर। हो गया इतना। अब देखो आगे अपने पास क्या है कि लेट, इसको अपने ये जो डिस्टेंस है इसको अपने मान लेते हैं एक्स। तो लेट बी सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा? एक्स। और देखो यहाँ हमारे पास जो डी ई है उसको हमने कितना एज्यूम किया? लेट डी ई इक्वल टू में स्मॉल एच मीटर। अपने को फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, कंप्लीट हाइट। हाइट ऑफ टावर कितना माना हमने? हाइट ऑफ टावर ये हमने लेट एज्यूम किया, हमने कितना एज्यूम किया था? देखो कैपिटल एच, इसकी कंप्लीट हाइट हमने माना है कैपिटल एच। अब देखो यहाँ दो ट्राइंगल बने, एक तो ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी, और एक ट्राइंगल बना ए डी और ई। तो देखो सबसे पहले अपने इसको सॉल्व करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, जब अपने ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं तो यहाँ देखो ये कितना मीटर है? 7 मीटर। ये हमारे पास कितना है? एक्स। ये एंगल है अपने पास 45 डिग्री। तो ट्राइंगल ए बी और सी। अब देखो थीटा के सामने वाला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से फॉर्मूले में आता है? तो हमने वो पढ़ा है ट्रिक, कौन सी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? पी अपॉन बी। तो यहाँ देखो टेन थीटा इक्वल टू में कितना हुआ? पी अपॉन बी। थीटा हमारे पास कितना है? टेन 45 डिग्री, और P हमारे पास कितना है? 7, और बेस हमारे पास कितना है? X। tan 45 और cot 45 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 7 अपॉन X। अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X की मल्टीप्लाई 1 से X, 7 बन जा 7। तो यहाँ से X की वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 7 मीटर। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितना है? 7 मीटर। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक अगर अपने देखे तो ये पूरी लेंथ कितनी है? 7 मीटर। अब देखो ये आ गया अपने पास, अब अपने ट्राइंगल कौन से सॉल्व करेंगे? इन ट्राइंगल ए डी ई। देखो सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, अब अपने को निकालना है इस स्मॉल एच की वैल्यू। जब ये वैल्यू आ जाएंगी तो अपने पास 7 प्लस में एच करेंगे, अपने पास टावर की कंप्लीट हाइट आ जाएगी। तो देखो अब कौन से ट्राइंगल की अपने डिस्कशन करें? इन ट्राइंगल ए डी और ई। तो देखो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? देखो इन ट्राइंगल ए डी ई,
यहाँ हमारे पास है ये स्मॉल h, ये हमारे पास है 7 मीटर, ये एंगल अपने पास कितना है 60 डिग्री। तो देखो इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई कितना हो जाएगा, देखो टेन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन 20। अब देखो टेन थीटा कितना अपने पास, टेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपने पास कितना है एच, और बेस हमारे पास कितना है 7 मीटर। अब देखो टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री या 1/√3। तो देखो 30 और 60 में बड़ा कौन सा है, 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा √3। तो √3 इक्वल टू में एच अपॉन 7, तो एच की वैल्यू अपने पास आ गई 7√3 मीटर, ये अपने पास वैल्यू आ गई स्मॉल एच की। अब देखो अपने को वैल्यू निकालनी है कंप्लीट हाइट, तो देखो यहाँ से पहले तो हमने ये कितना निकाला था 7 मीटर, यहाँ स्मॉल एच की वैल्यू अपने पास आ गई 7√3 मीटर। अब लास्ट अपने को क्या हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। तो देखो हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर हमने कितना एज्यूम किया था, कैपिटल एच। देखो ये जो कंप्लीट हाइट है वो कितना हो जाएगा, 7 + h, या पहले अपने ये लिख सकते हैं कि CD + DE, CD + DE, तो CD हमारे पास कितना है 7 मीटर, और DE हमारे पास आ गया कितना है 7√3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 7√3 मीटर। अब देखो 7 और + 7√3 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा 1 + √3 मीटर। तो ये अपना आंसर, क्वेश्चन ने बोला था हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट हमारे पास कितना है 7 × 1 + √3 मीटर। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी आप इस चैप्टर 9 को सॉल्व करो तो इसमें क्वेश्चन में मेन मेन जो पॉइंट है, जैसे कि एलिवेशन है, डिप्रेशन है, हाइट कितना है, या अपने पास फुट कितना दे रखा है, या हाइट ऑफ द टावर जो अपने को फाइंड करना है, तो ये सारे डेटा को आप अंडरलाइन कर लो, आपके माइंड में रहने चाहिए कि ये सारे पॉइंट अपने को पहले डायग्राम में अच्छे से ड्रॉ करना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 7 मीटर, टॉप ऑफ द केबल टावर था वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 45 डिग्री, फिर अपने को दे रखा था डिटरमाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की अपने को हाइट फाइंड करनी थी। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ 7 मीटर था, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, तो ये 7 मीटर हो गया। तो अब देखो अपने को पहले ये स्मॉल एच निकालना है, और इनके बीच की डिस्टेंस अपने को एक्स निकालनी थी। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लिया, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन 20, परपेंडिकुलर था 7 मीटर, बेस हमारे पास कितना था एक्स। तो अब देखो यहाँ से हमने वैल्यू निकाला, तो हमारे पास इस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। इसका मतलब बिल्डिंग और टावर के बीच की जो डिस्टेंस अगर फुट से अपने देखे तो वो कितना मीटर है, 7 मीटर। फिर अपने को निकालनी थी इस स्मॉल एच की वैल्यू, तो हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, इन ट्राइंगल ए डी ई, टेन थीटा इक्वल टू में कितना हुआ परपेंडिकुलर अपॉन 20, टेन 60 डिग्री इक्वल टू में कितना हुआ एच अपॉन 7, यहाँ से एच की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। ये अपने पास सही है स्मॉल एच, लेकिन अपने को चाहिए थी हाइट ऑफ टावर, पूरी हाइट अपने को यहाँ से फुट से लेकर अपने को टॉप पॉइंट तक हाइट निकालनी है। तो हाइट ऑफ टावर कितना होता है CD + DE। अब देखो CD+ में क्या हुआ DE, तो 7 + 7√3, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 7, तो 7 हमने कॉमन लिया कितना आ गया 1 + √3 मीटर, ये अपना आंसर। तो देखो जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करो तो डायग्राम अच्छे से बनाना, अगर डायग्राम अच्छे से बनाए तो 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन सही होगा, 10% आपकी गलती हो सकती है कि आपने या तो यहाँ वैल्यू गलत लिखी है या लास्ट कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कैलकुलेशन में आपने गलती कर दी, लेकिन अगर डायग्राम सही नहीं है तो आपका 100% वही क्या है, गलत है आपका आंसर। तो स्टैंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।